हेलो गाइस, इस ओबीएस लड़के में आपका स्वागत है एंड वेलकम टू डेली टेक न्यूज हैशटैग 93। जी हाँ, आज 93rd टेक न्यूज है और साथ चाहिए, उसके बाद हम सेंचुरी मारेंगे। एनीवेज दोस्तों, आज भी आपके लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज है, लेकिन बहुत कम है, पता नहीं आज मतलब ज़्यादा टेक न्यूज नहीं आई। लेकिन एनीवेज दोस्तों, जितनी भी है बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म है, आपको पता हमारा सीक्रेट मसाला। एनीवेज तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आज के टेक न्यूज शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे मैं वीडियोस या फिर टेक न्यूज़ या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं। सो अब स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज़। बताया जा रहा है कि अगर ये आउटब्रेक नहीं होता, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, तो शायद से जियो अपना जियो फोन 3 जो है वो लॉन्च कर सकता था। इसके पहले खबर आई थी कि जियो अपना 5G लाने वाला था, वो तो नहीं आया, अब ये फ़ोन भी नहीं आएगा। अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये जून में आएगा। अब जब ये आएगा तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ 4,500 रुपये के करीब आएगा, मतलब उतना कुछ आएगा, और ये एक स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको कुछ मीडिया टेक वगैरह का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और 4,500 में जियो फोन 3 का स्मार्टफोन जून या फिर जुलाई के महीने में आएगा। लेकिन अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये आ गया होता। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे क्या आप एक्साइटेड हो जियो फोन 3 के बारे में, वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का अगले खबर की ओर हमारे यहाँ पर एप्पल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एप्पल का आईफोन 12 इसके पहली बार कुछ लाइव फोटोज़ रेंडर्स वगैरह हो आ चुके हैं। स्पेक्स नहीं आए लेकिन लाइव फ़ोटोज़ आ गए। अब देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने में है। एक डार्क ब्लू कलर है, एक लाइट ब्लू कलर है, पता नहीं कौन सा कलर्स है। और इसका जो नॉच है, मुझे काफ़ी कंपेरेटिवली अगर मैं दूसरे आईफोन से कंपेयर करूँ 11 प्रो मैक्स से, तो मुझे काफ़ी मतलब छोटा नॉच लग रहा है और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है पीछे से देखने में। लेकिन जितना भी होगा, इसमें आपको 5 nm का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो अब तैयार कर लो अपनी किडनियाँ, क्योंकि ये जल्दी बिकने वाली है अगर आपको आईफोन 12 सीरीज़ ख़रीदनी है। एनीवेज दोस्तों, आप क्या क्या कहना है इस किडनी बेच आईफोन 12 के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हो। और बाय द वे मुझे बताइए भाई कमेंट करके, ये आपको थंबनेल्स वगैरह सब कैसे लग रहे हैं। मेरा इंट्रो है, नया म्यूज़िक डाला है, सब बताइए कैसा लग रहा है, बता देने कुछ। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए स्वागत करते हैं अगले खबर की ओर, यहाँ पर शाओमी की तरफ से। जी हाँ, शाओमी ने ना आज माहौल बहुत ही गर्मा गर्म कर दिया है। मतलब रियलमी बेचारा क्या कल लॉन्च कर दिया कुछ 4 प्रोडक्ट्स, शाओमी ने टूट पड़ा। जी हाँ, शाओमी पूरा टूट पड़ा उस पर कि भाई तू ये सब लॉन्च करेगा, मैं उन्हें नहीं दूंगा, मैं भी करेगा। तो आज उन्होंने कर दिया। जी हाँ भाई, तब इंडिया में कुछ नहीं किया, चाइना में जो किया है वो किया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना में रेडमी 10X 4G, रेडमी 10X 5G और रेडमी 10X प्रो 5G, ये 3 फ़ोन जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। साथ में उनके वो मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैंने रियलमी X3 सुपर जूम के बारे में वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे काट देता हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप जाके देख सकते हो। वैसे Xiaomi का 10X जो है 4G, वो ग्लोबली Redmi Note 9 ही है, तो इतना कुछ खास नहीं है, मुझे ठीक ठाक है। लेकिन 10X और 10X 5G और 10X Pro 5G कमाल के हैं। जी हाँ, प्राइसिंग सुनोगे हिल के गिरी जाओगे। जी हाँ, इतना बढ़िया प्राइसिंग मैं समझ मतलब सोच नहीं सकता। कल रियलमी ने टीवी की अच्छी प्राइस रख दी, आज शाओमी ने फ़ोन की रख दी, वो भी 5G फ़ोन की। 17,000 रुपये बेस वेरिएंट का प्राइस है, और जो उसका अगला है 6128, आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं 664, 6128, 8128 और 8256। जी हाँ, और जो 10 वो कुछ 25,000 तक जाता है अगर आप 10X 5G की बात करो। 10X Pro 5G है वो कुछ आपको 25,000 से स्टार्ट होके 30,000 पे एंड होगा। मुझे बहुत ही किलर फ़ोन लगा और ये 100% कन्फर्म्ड है कि ये इंडिया में आएंगे। अब किस रूप किस नाम से आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो मैं आपको सब बता दूंगा। वैसे
साथ में उन्होंने रेडमी बुक्स भी लॉन्च की और टीवी, जी हाँ, रेडमी का एक्स टीवी ऐसा नाम है कुछ, रेडमी एक्स टीवी सीरीज का नाम है, जी हाँ, रेडमी एक्स उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइस सुनोगे तो वापस हिल जाओगे, जी हाँ। मतलब उन्होंने 43 इंच वाली प्राइस नहीं बताई, 55 और 65 इंच वाली प्राइस बता दी। 55 की दे सुनोगे, सुन लो पहले, 25,000, जी हाँ, इमेजिन 55 इंच वाला टीवी 25,000, और यहाँ पे रियलमी 43 इंच दे रहा है 22,000 में। तो और 3,000 डाल के हम रेडमी एक्स ही क्यों ना ले ले। एनीवेज दोस्तों, साथ में 65 इंच जो है वो 30-32,000 तक का इंडिया में अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊँ तो होता है। अब बात करेंगे रेडमी 10X प्रो 5G और 10X की 5G की स्पेसिफिकेशंस की, तो वो भी दमदार है दोस्तों। इसमें इन दोनों में आपको 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया HDR 10 प्लस को भी सपोर्ट करता है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया है, जी हाँ। साथ में इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलते हैं, जो 10X 5G है उसमें आपको ट्रिपल मिलता है। प्रोसेसर को पूछो मत, जी हाँ, 48 नहीं, मैं कैमरा की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो 48 और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ में 10X प्रो 5G के कैमरा सेटअप की बात करेंगे, 48 8 2 2, जी हाँ, और नहीं 48 8 5 5, जी हाँ, मतलब 2 2 नहीं है, 5 5 है, लास्ट के दो है, और एक 5 है वो टेलीफोटो लेंस है, जो जिसमें आप 30X तक जूम कर पाओगे। 13 मेगापिक्सल का जूम लेंस भी आपको देखने को मिल जाता है। तो क्वाड कैमरा सेटअप मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये फ़ोन। फिलहाल मैं आपको कहता हूँ, रुक जाओ अगर आप कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हो अंडर 20,000 या फिर उससे ऊपर, मैं फ़िलहाल तो कहता हूँ रुक जाओ, ये आपका भला होगा, क्योंकि यार रेडमी 10X कड़ा फ़ोन है, और ऐसे रूमर्स है कि इंडिया में आपको पोको M2 प्रो या फिर M2 प्रो मैक जो भी नाम हो वो देखने को मिलेगा। बट ऐसा पक्का है कि भाई, पक्का नहीं है, मतलब 90% तक का पक्का, 50% पक्का है कि आपको पोको की तरफ से ये फ़ोन देखने को मिलेंगे। रीब्रांडेड का खेल पोको तो छोड़ता ही नहीं है, लेकिन इस बार अच्छा है कि भाई इंडिया में आ रहा है, अच्छा है, आने दो, क्यों रोक रहे हो भाई। एनीवेज काफ़ी अच्छा है। चलिए दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है रेडमी 10X प्रो 5G 4G दोनों तीनों के बारे में? आप साथ में उन्होंने रेडमी बुक भी लॉन्च किया, AMD राइजन का लेटेस्ट प्रोसेसर, साथ में कुछ ट्रांसफॉर्मर एडिशन वगैरह भी कुछ है, तो वो भी सब है। वैसे आपको क्या लगता है, आप इन सारी चीज़ों के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए साथ करते हैं अगले खबर क्या हमारे यहाँ पर रियलमी की तरफ से। जी हाँ, रियलमी का भी बढ़िया लॉन्च था कल, अगर आपको सब जानना है तो मैं आपको सैटरडे की टेक्निक्स देखने का बोलूँगा, सैटरडे नहीं, गईकाल की, यस्टरडे की टेक्निक्स देखने को बोल दूँगा, वो गुजराती में गईकाल बोलते हैं इसलिए थोड़े सॉरी। एनीवेज दोस्तों, रियलमी X50 प्रो क्लियर एडिशन, वैसे रियलमी की तरफ से दो खबरें आ रही है, एक अच्छी है और एक शायद बुरी आपके लिए हो सकती है, मेरे लिए तो है। और साथ में X50 प्रो प्लेयर एडिशन इंडियन रियलमी वेबसाइट पर जो है वो लिस्ट हो चुका है, जहाँ पे वो लोग रखते हैं अपने फ़ोन की, भाई लॉन्च करो कोई फ़ोन जो लॉन्च होने वाले हों उन सबको, वहाँ पे रियलमी X3 जूम सुपर जूम सब है, जूम नहीं, रियलमी X3 और रियलमी X3 सुपर जूम। आप बोलोगे कहाँ जूम, कहाँ से निकला, जी हाँ। तो और साथ में दोस्तों, एक बुरी खबर की बात करें तो अच्छी खबर ये थी कि भाई रियलमी X50 प्रो प्लेयर एडिशन जो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, ये इंडियन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। अब बुरी खबर की बात करें तो दोस्तों, आप मेरा सबसे पहले वो वीडियो जाके देखो, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इधर यहाँ पे कहीं पे कार्ड आएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो जाके देख लेना। रियलमी X3 सुपर जूम आज यूरोप में लॉन्च हो चुका है, मैंने वीडियो में गलती से बोल दिया था इंडोनेशिया को, उसके लिए सॉरी, याद नहीं होता भाई कितना काम होता है जी। एनीवेज तो हाँ, रियलमी X3 सुपर जूम ये फ़ोन काफ़ी महंगा है उधर, ये बुरी खबर है, और अगर इंडिया में ये प्राइस पे आता है तो भाई कुछ काम का नहीं है, क्योंकि यार उधर X50 प्रो 5G वगैरह सब बैठे हैं, उनको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं लगता कि भाई X3 सुपर जूम टिकेगा अगर वो इंडिया में अपना रियल
इंडिया में 40-50 हज़ार के करीब आ जाता है, क्योंकि उधर तो है 499 यूरोस का, यानी कि कुछ करीब करीब अगर कन्वर्ट करें 41,990 यानी कि 42,000 वो भी बोल सकते हो। तो ये एक बुरी खबर है जो रियलमी की तरफ से आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है रियलमी X50 Pro प्लेयर एडिशन सबके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। क्या आपको पता है कि दोस्तों आप जब अपने पेपर पे लिखते हो, लाइक मैंने ये पेपर पे लिखा है पूरा टेक न्यूज़ आज का लिखा है, और जब आप फ़ोन में सेम चीज़ लिखते मतलब वो नोट्स होता है ना उधर, तो दोस्तों आपका जो रीडिंग पावर होता है वो 10% कम हो जाता है कंपेयर टू पेपर। जी हाँ, मतलब आप पेपर में रीड करोगे तो बराबर रीड कर पाओगे, लेकिन जब इसमें रीड करोगे स्मार्टफोन में तो आपका रीडिंग पावर 10% कम हो जाता है, उतने तक ही जब तक आप रीड कर रहे हो स्मार्टफोन में। ये एक फैक्ट था जो काफ़ी बढ़िया था और मुझे भी तभी अजीब लगा, लेकिन ये एक फैक्ट है जो आपको मानना और समझना पड़ेगा। तो आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे ही ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद ज़रूर से सोडा कलर कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे गर्मा गर्म तड़के मसालेदार टेक न्यूज़ देता रहूँगा, आप लोगों को ऐसे भी करता रहूँगा। मिलते हैं आज से अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय द वे, मेरा वो वीडियो जाके देखना अगर आपको जानना है कि रियलमी X3 सुपर जूम में क्या क्या है। बाय।